हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं प्रोजेक्ट इवो। एंड फाइनली गाइस, ये हमारा प्रोजेक्ट इवो का होने वाला है न्यू सेशन। जो पुराना सेशन था वो ऑलरेडी यार कंप्लीट हो चुका है। एंड वहां पे हमारा बेस भी ऑलरेडी रेड हो चुका है, क्योंकि मैं काफी दिन तक गेम पे ऑनलाइन ही आया था, क्योंकि ऑलरेडी यार मैं कहीं गया हुआ था। सो हम लोगों ने डिसाइड करा, काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई प्रोजेक्ट इवो का वीडियो लेके आओ। सो फाइनली गाइस, इस वाले सेशन में हम लोग वो पुरानी वाली गलती नहीं करने वाले हैं। एंड इस बारी जो है ना, हम लोग फटाफट से गन्स वगैरह लर्न करके पंदों को पेलने के लिए निकलेंगे। एंड अभी जो है ना, हम लोगों ने लगभग काफी ज्यादा वुड तो फार्म करी है, तो मैंने डिसाइड करा साथ के साथ हम लोग स्पीयर भी फार्म करते हैं। एंड फटाफट से जो है ना, अपनी हम सारी की सारी रेसिपीज अनलॉक करेंगे। तो अभी जो है गाइस, मेरे को स्पीयर फार्म करते करते काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, एंड इतना स्पीयर स्टार्टिंग में सफिशियंट होगा। तो अभी जो है ना, हम लोग चलते हैं फटाफट से अपने के लिए स्टोन, आयरन, सल्फर वगैरह फार्म करते हैं, क्योंकि अपने को थोड़ा सा आयरन, स्टोन, सल्फर तो चाहिए, क्योंकि एमो बनाने के लिए। तो लगता है गाइस यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है। सो अभी तो मैं ड्रॉप में नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास एक भी वेपन्स नहीं है। वैसे बो एंड एरोस लेके मैं जा सकता हूँ, बट कोई टेंशन नहीं गाइस, हम लोग जाएंगे इस बार ही गन ही लेके। तो उसके बाद मैं जो है ना, यहाँ पे अपने के लिए वुड, आयरन, स्टोन्स वगैरह फार्म करने लगा था। एंड मुझे लगा इतना स्टोन्स वगैरह तो सफिशिएंट होगा अभी। चलो यार, स्टोन तो हमें यहाँ पे मिल ही गया। अभी तक मेरे को एक भी स्टोन्स नहीं मिला था, बट यहाँ पे मिल गया। तो अभी हम लोग फटाफट से जो है ना, अपने के लिए बेस बनाते हैं। वैसे गाइस, इसमें हम लोग बड़ा बेस बनाए, छोटा बेस बनाए, 101% रेट होगा, क्योंकि पिछले सर्वर में भी हमारा जो है ना रेगुलर बेस रेट होता था। तो इस बारी जो है ना, मैं ज्यादा दिमाग खराब नहीं करूंगा, जस्ट अपन लोग मजे करेंगे। बॉम्ब जितने भी होंगे, गन्स जितनी भी होंगी अपनी, थोड़ा सा गन्स एंड बॉम्ब जितना भी होगा वो हम लोग अपने सेफ में डाल देंगे। अगर हमारा बेस रेट भी हो जाता है तो अपने पास यार इतना बॉम्ब्स वगैरह तो रहे कि हम लोग आगे भी रेट कर सकते हैं। तो मैंने डिसाइड करा हम लोग जो है ना, दो फाउंडेशन में बेस बनाएंगे, ज्यादा बड़ा बेस नहीं, छोटा बेस, सुखी बेस। तो चलो ठीक है गाइज, यहाँ पे मैंने अपने बेस की फाउंडेशन तो ऑलरेडी प्लेस कर ली है। एंड जल्दी से जो है ना, हम लोग अपना बेस भी कंप्लीट कर लेते। इसको जो है ना, जो मेरा सेफ है, हम लोग इस कोने में प्लेस करेंगे, ठीक है। यहां पे करता हूं ना, क्या बाहर से वॉल भी इजीली लग जाए। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे जो है ना, मैंने अपना बेस लगभग पूरा बना ही लिया है। एंड देखो, हम लोगों ने स्टोन से भी अपग्रेड कर लिया है। तो मैंने डिसाइड करा अभी तो गाइज, फटाफट से हम लोग अपने के लिए मचेट का रेसिपी एंड सैडल, हॉर्स की सैडल का रेसिपी निकालना है। सो वो तो निकलेगा हमारा वर्क बेंच से। तो मैं फटाफट से यहां पे अपने के लिए वर्क बेंच प्लेस करता हूं। भाई इसमें भी अगर रैंक सर्वर होना है गाइज, काफी ज्यादा मजा आएगा। मतलब एटलीस्ट हम लोग रैंक टाइम पे तो ऑनलाइन रह सकते हैं ना, एंड जिसको भी रेड मारना होगा वो रैंक टाइप में मारेगा, रैंक टाइम में मारेगा, जैसे प्रोटेक्टेड होता है ना, उस तरीके का सर्वर होना चाहिए। बट कोई नहीं गाइज, डेफिनेटली अंडर डेवलपमेंट है गेम, धीरे धीरे आएगा जरूर, एंड हम लोगों की काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, जो कि लगभग 3-4 घंटे गेम्स खेलता है। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे मैं फटाफट से इसका सैडल अनलॉक करता हूँ, हॉर्स का सैडल। एंड यहाँ पे हमारे पास आयरन के टूल्स है। मैं तो सोच रहा था मचेट करूंगा का, बट हम लोग जो है ना, मचेट एकदम से लर्न नहीं कर सकते। सबसे पहले मेरे को एक्स एंड पिकैक्स का रेसिपी लर्न कर रहा होगा। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे मैंने मचेट का रेसिपी ऑलरेडी अनलॉक कर लिया है। एंड अभी जो है ना, हम लोग अपने के लिए फटाफट से मचेट बना के निकलते हैं, क्योंकि गन का रेसिपी अनलॉक करने में तो अभी अपने को काफी ज्यादा स्पीयर चाहिए। ज्यादा नहीं, लगभग 225 स्पीयर्स चाहिए, जो कि हम लोग इजिली कर लेंगे। सो अभी गाइज, हम लोग फटाफट से अपने के लिए बनाते हैं मचेट। तो मैंने देखा यहाँ पे मचेट बनाने के लिए हमें चाहिए ग्लू, और ग्लू बनाने के लिए चाहिए मेरे को बोन्स। तो यार बोन्स कलेक्ट करनी पड़ेगी, एंड बोन्स के लिए मेरे को यहाँ पे जितने भी हिरन्स हैं या फिर घोड़े मारने पड़ेंगे। तो चलो चलते हैं गाइस, फटाफट से गधे एंड कुछ घोड़े मार के आते हैं, देखते हैं इनको मार पाते या नहीं मार पाते। तो ये रहा गाइस अपना छोटा सा बेस, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड यहाँ पे मेरे को एक गधा दिखा, चलो इसको मार के आते पहले। वैसे मुझे नहीं लगता, अगर इसको एरो मारूंगा तो डेफिनेटली ये भागेगा। तो देखो गाइज, मैंने जैसा बोला था ना, वही हुआ, ये भाग गया यहाँ पे से। बट कोई नहीं, यहाँ पे काफी ज्यादा हिरन है, एंड इन्हें तो हम लोग इजीली मार ही देंगे, सीधा हेडशॉट। भाई एक एरोस में मरना चाहिए था, मैंने हेडशॉट मारा इसको, बट ये मरा नहीं। बट कोई टेंशन नहीं, हम लोग इसको इजीली मारेंगे। भाई ये तो कतई दूर भाग गई,
बट मैं भी जा रहा हूं उसके पीछे, रुको। आ रही है गया। तो ठीक है गाइस, उसके बाद मैंने फटाफट से एक एक करके जो है ना सारे के सारे हिरन को मारा। एंड उसके बाद जो है ना मैं हिरन मारते क्वारी के काफी ज्यादा पास में आ चुका था, तो मैंने डिसाइड करा चलो क्यों ना हम लोग क्वारी करते हैं। बट क्वारी करते करते मेरे को यहाँ पे एम्ब्रल्स वाला मॉन्स्टर मिला। मैंने डिसाइड करा चलो क्वारी करते करते हम लोग इसको भी मार के जाते हैं। एंड फाइनली हम लोग अपने के लिए जो है ना अपना पहला एम्ब्रल्स गैदर कर लेंगे। बट सोलो में गाइस इसको मारना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, इतना इजी नहीं था जितना हम लोगों ने सोचा था। तो ठीक है मैं यहाँ पे से एम्ब्रल्स कलेक्ट करता हूँ। बट ये जो रेड कलर की रोब्स है ना गाइस, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने को बॉम्ब्स बनाने में, तो ये तो हमें अपना जो है ना सेफ में डालना पड़ेगा। तो ठीक है यहाँ पे हम लोगों ने इसको तो मारा। एंड अभी जो है ना हम लोगों के पास काफी ज्यादा सामान है, तो फटाफट से हम लोग जो है ना अपने बेस में चलते हैं। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे से बेस की तरफ जा ही रहा था तो मेरे को यहाँ पे फुटस्टेप्स आने लगे। बंदे के पास क्रॉसबो था बट वो मेरे से काफी ज्यादा क्लोज था, तो मैंने डिसाइड करा चलो यार इसको क्रॉसबो से मारता हूँ। बट इस बार ही जो है ना गाइज अपना एम जो है ना एकदम टकाटक था, लगातार गाइज उसको दो एरोस पड़े। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड करा अब तो मैं इसको डंडे से मारूंगा। रुक जा भाई किधर भाग रहा है, क्या ही गजब का हेडशॉट लगा, पूरा फिनिश भाई। इसके पास काफी अच्छा लूट था बट ये आ रहे हैं, इसको भी मैं डंडे से मारता हूं। ये मॉन्स्टर निकल, डंडे से उसकी हड्डियां तोड़ दी। तो यहां पे जो है ना गाइस अपने को इससे काफी अच्छा लूट मिल चुका था। और भाई मेरे को बैंडेजेस चाहिए थे, बैंडेजेस तो इसके पास काफी ज्यादा थे। तो चलिए गाइस अभी जो है ना मेरा बैकपैक फुल हो चुका है। एंड यहाँ पे ग्रीन कार्ड तो नहीं मिला था बट मैं यहाँ पे दोबारा से आया, उस बार ही जो है ना मेरे को यहाँ पे ग्रीन कार्ड मिल चुका है। बट मेरी इन्वेंटरी में काफी ज्यादा सामान है तो ये सामान मेरे को थोड़ा सा ड्रॉप करने पड़ेंगे। और हम लोग चलते हैं फटाफट से ग्रीन रूम लूट के आते हैं, क्या पता हमें एसएमजी मिल जाए। हो सकता है गाइस एसएमजी मिल जाता है ग्रीन रूम से, तो देखते हैं इस बार एसएमजी मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है ओके ग्रीन रूम ओपन, येलो कार्ड कुछ नहीं। यहां पे मेरे को एक्स मिला, पिकेक्स मिला। ठीक है वेपन बॉक्स तो यहां पे, यहां से गाइस डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मिलेगा अपने को भाई, कुछ नहीं मिला। तो चलो गाइस ऐसे करते हैं ना, अब हम लोग चलते हैं फटाफट से अपने बेस में एंड जितना भी इंपॉर्टेंट लूट है वो हम लोग सेफ में डालेंगे। बट ये बंदा जो है ना गाइस यहां पे दोबारा आया था, बट इस बार भी जो है ना हम लोगों ने इसको इजीली मारा, पता था मेरे को डेफिनेटली इसमें कुछ नहीं होगा। तो ओके गाइस यहां पे मैं अपने बेस में पहुंच चुका हूं। एंड अपने बेस के अंदर जाने के लिए मेरे को यहां पे लगानी पड़ेगी स्टेयर्स, तो लगाता हूं। ठीक है तो जितना भी गाइस इंपॉर्टेंट सामान था वो मैंने सारा का सारा सेफ के अंदर रखा। एंड उसके बाद यहां पे आया था ड्रॉप, तो अभी जो है ना गाइस हम लोग ड्रॉप में भी चलेंगे, काफी ज्यादा मजा आएगा। तो लगभग मेरे पास इतना रॉप्स हो चुका है कि मैं 8 हैंडमेड्स अपने के लिए बना सकता हूं भाई, मजा आएगा ना। ओके मेरे पास स्पीयर काफी ज्यादा है, तो अभी जो है ना गाइस हम लोग सबसे पहले तो अपने के लिए एसएमजी लर्न करते हैं। आई थिंक एसएमजी तो लर्न है अपने पास, नहीं है अब हो जाएगा। तो ठीक है गाइस हम लोगों ने अपना एसएमजी वगैरह लर्न कर लिया है। एंड अभी मेरे को बस अपने के लिए आर्मर लर्न करना है एंड उसके बाद हम लोग आर्मर और एसएमजी बना के निकलेंगे बंदों को पेलने के लिए। पेलने के लिए नहीं, हम लोग निकलेंगे थोड़ा सा एम्ब्रल्स कलेक्ट करने के लिए भाई। 90 स्पीयर्स लगेंगे गाइस, तो आई थिंक अपने पास थोड़े से स्पीयर्स होंगे जो कि अपने बॉक्सेस में होंगे, तो मैं फटाफट से वो सारे के सारे स्पीयर्स कलेक्ट करता हूं। एंड उसके बाद हम लोग फटाक से जो है ना रेसिपी लर्न करते हैं। तो उसके बाद यार यहां पे आया था ड्रॉप, तो मैंने मचेटी बनाया एंड मैं मचेटी लेके यहां पे आ चुका था। तो देखता हूं भाई यहां पे बंदा है, बंदे ने देखो ये एरिया जो है ना पूरे का पूरा क्लियर कर लिया। ओ गाइस आगे बंदा है, तो मैंने यहां पे अपना शॉटगन निकाला जो कि मेरे को यहां पे मिल चुका था, तो मैंने कहा चलो इसको शॉटगन से मारता हूं। बट यहां पे जो है ना गाइस एक काफी गंदा सीन होगा, वो क्या सीन है आप लोग अभी खुद देखना। तो मैंने कहा चलो चलता हूं, अबे किधर गया, इधर ही तो था। ये रहा भाई रुक जा, ये डंडा मार रहा है, इसको भी डंडे, इसको मचेट से काटूंगा मैं, रुक जा आ जा ले गया। इस बारी जो है ना गाइस इसको काफी गंदा सीन किया।
भाई क्लोज रेंज में तो शॉटगन से काफी अच्छा है हमारा मचेट एकदम। गाइस काट के रख दो तो ठीक है गाइस। इससे मैंने सारे का सारा सामान उठाया एंड फटाफट से अपने आपको हील अप करा। उसके बाद जो है मैं ड्रॉप के पास जा रहा था एंड वहां पे जो है ना कुछ बंदे आपस में फाइट कर रहे थे। मैंने कहा रुक जा भाई इसको भी मारता हूं मैं। अब भाई यहां पे इसने तो एक बंदे को नॉक किया है एंड इस बंदे के पास भी मचेट थी तो यहां पे मैंने भी उसको एक डैमेज दिया एंड उसके बाद लग रहा था ये भागने लगा तो मैंने डिसाइड करा शॉटगन से मारता हूं। एंड शॉटगन का गाइस लिटरली एक बुलेट लगा बट डैमेज ही रजिस्टर नहीं हुआ एंड उसकी शॉटगन का जो है ना गाइस क्या बोले क्या ही गजब की शॉटगन लगी। बट वहां पे के बाद मैं दोबारा से वापस नहीं गया क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं फाइट करने के लिए। तो मैंने डिसाइड करा चलो अभी जो है ना हम लोग फटाफट से हॉर्स का सैडल बनाते हैं एक हॉर्स टैम करते हैं एंड दोबारा से हम लोग वहां पे चलते हैं। मुझे गाइस एसएमजी चाहिए। एसएमजी बनाने के लिए अभी मेरे पास इतना रिसोर्स नहीं है तो मैं सोचा क्या पता अपने को घूमते घामते कहीं ना कहीं डब्बे से एसएमजी मिल ही जाएगा। तो मैंने फिर डिसाइड करा चलो अभी हम हॉर्स टैम करते हैं और निकलते हैं यहां से। ठीक है यप हो गया। तो फाइनली गाइस यहां पे अपना हॉर्स टैम हो चुका है एंड चलो दोबारा से चलते उसी वाली जगह में जहां पे हम मरे थे। भाई यहां पे मैं दोबारा से आ चुका हूं मचेट लेके एंड जैसे गाइस मैं यहां पे देखने लगा तो मैं यहां पे एक बंदा दिखा जो कि पता नहीं किसका वेट कर रहा था। मैंने कहा रुक जा अभी तेरे को मारता हूं। भाई किधर 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 ले बेटे ले गया भाई मचेट से काट दिया बंदे को। तो जैसे गाइस मैं इसके यहां पे लूट उठा रहा था लगता है इसका यहां पे एक और टीममेट था जिसके पास एसएमजी था। भाई बजा दिया दोबारा से। भाई यहां पे मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आया तो मैं जो है ना गाइस यहां पे स्पॉन तो हुआ था दोबारा से बट वो बंदा जो है ना यहां पे से भाग चुका था बट मैं यहां पे आया टावर के पास में सो मेरे को यहां पे मिला एसएमजी। मैंने कहा अब आएगा ना बिड़ू मजा तो फटाफट से यहां पे से लूटते हैं एंड जल्द से जल्द मैं जो है ना अपने बेस निकलता हूं। मेरे को आर्मर बनाना है उसी के बाद जो है ना मैं ये एसएमजी यूज करने वाला हूं। तो लेट्स गो गाइस चलते हैं जल्दी से निकलो। तो फाइनली यार यहां पे हम लोग अपने बेस में आ चुके हैं एंड अभी जो है ना मेरे को फटाफट से आर्मर लर्न करना है। उसके बाद हम लोग आर्मर बनाने के लिए थोड़ा सा यार फार्म वगैरह भी करेंगे क्योंकि आर्मर बनाने के लिए हमें ग्लू चाहिए और हाइट चाहिए। ग्लू बनेगा बोन से हाइड आर्मर बनेगा हाइट से हाइड मिलेगा हमें गधों से। तो भाई अभी काम बहुत है। ठीक है गाइज एक एक करके मैंने सारे का सारा रेसिपी लर्न करा। अभी हेलमेट बचा हुआ है हेलमेट भी लर्न कर लिया बट हेलमेट के लिए अभी मेरे पास स्पीयर थोड़ा से कम है तो मैं फटाफट से गया थोड़ा सा स्पीयर्स वगैरह फार्म करके आया एंड उसके बाद जो है ना गाइज अपना सारे का सारा सामान तो रेडी है। अपने को ग्लू बनाना था लगभग 10 ग्लू तो हमारे पास बन जाएगा एंड हाइट भी मेरे पास काफी ज्यादा है। मैंने थोड़ा सा ऑफलाइन रह के कलेक्ट किया था एंड फटाफट से जो है ना गाइज हम लोग अपने के लिए आर्मर वगैरह बनाते हैं। ठीक है तो आर्मर बनने में लगभग 30 सेकंड लगेगा। चलो गाइज हम लोग थोड़ा सा ना वेट वगैरह करते हैं। ठीक है एक एक करके हमारा सारे का सारा सामान बन रहा है एंड बुलेट्स भी मेरे पास काफी ज्यादा है लगभग 300 के करीब बुलेट्स हैं। इतने में तो गाइस काम इजीली बन जाएगा। तो देखो गाइस कैसा लग रहा हूं मैं गजब ना। हाँ मस्त लग रहा है यार। तो चलो गाइस ठीक है अभी जो है ना हम लोग चलते हैं पहले अपनी हेल्थ वगैरह फुल कर लेता हूँ। ओके हेल्थ तो मेरा फुल है तो ठीक है लेट्स गो। तो उसके बाद यार मैंने डिसाइड करा दोबारा से हम जो है ना एक बार क्वेरी को चेकआउट करते हैं। एम्ब्रल्स वाला ज़ॉम्बीज आया होगा तो उसको मारेंगे तो लकीली गाइस बट मेरे पास घोड़ा नहीं था। अपना घोड़ा तो वहां पे गया था क्योंकि वहां पे एक बंदे ने मारा। सो यहां पे मैं ट्राई कर रहा था चलो घोड़े को हम लोग टेम कर लेते हैं बट आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तू एकदम बैठ बैठ के क्यों जाता है घोड़ा टेम करने। वो आज मैं बताने वाला हूं गाइस। देखो मैं चलते जा रहा हूं ना तो ये घोड़ा मेरे से भाग रहा है एंड इसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे आके ट्राई करने लगा बट ये घोड़ा मेरे को देखते हुए ना काफी ज्यादा दूर भागने लगा। मैंने कहा इस तरीके से नहीं इसको अपने पुराने तरीके से टेम करना पड़ेगा। अबे देख लिया अरे यार देख लिया वो मेरे को बट कोई नहीं चलो हम लोग दोबारा से यहाँ पे से करते हैं। आजा भाई आजा भाई ये तो क्वेरी की तरफ भाग रहा है। अबे दोबारा वापिस आ गया। रुको 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 ओके यहाँ पे मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी मार्शल नाम के बंदे की बट मैं नहीं जानता तेरे को है कौन वो। ठीक है अबे घोड़ा किधर गया घोड़ा इधर ही तो था।
आई थिंक नीचे है, नहीं यहां पे भी नहीं है। अरे ये रहा ये रहा ये रहा, अभी हम लोगों को सुमड़ी सुमड़ी से जाना पड़ेगा, एकदम उछल उछल के जाएंगे ना, भाग जाएगा ये। ठीक है आ जाओ, आराम आराम से चलते हैं। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने अब घोड़े के ऊपर बैठ चुके हैं एंड फटाफट से जो है ना घोड़े को टेम करते हैं। तो ओके गाइस, यहाँ पे अपना घोड़ा टेम हो चुका है एंड फटाफट से चलो क्वेरी चेकआउट करके आते हैं एंड देखते हैं एमरल्स वाला जॉम्बीज आया या नहीं आया। इस बार ही जो है ना गाइस, इसको हम लोग गन से मारने का ट्राई करेंगे, देखते हैं गन से कितने जल्दी मरता है। वैसे क्रॉसबो से मारा मैंने भाई, हालत खराब हो जाती है क्रॉसबो से मारने में। तो ठीक है नीचे है वो, नहीं है, है गाइस आवाज तो आ रहा है, नीचे ही है। चलो मैं घोड़े को यहां पे पार करता हूं और चलता हूं नीचे। आ जा बेटे लेट्स गो गाइस। सबसे पहले मैं तो कोई इनको क्लियर करना पड़ेगा, वो इतना पंगा नहीं करते जितना ये करते हैं। ठीक है ओके, सो ये तो गए, अबे ये तो किधर। ठीक है अच्छा, ये चुड़ैल को मारूंगा। अबे ये तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। भाई इतने जल्दी, आई मीन कितना इजी थे इसको मारना। चलो कोई नहीं गाइस, हम लोगों ने फटाफट से इसका लूट वगैरह कलेक्ट किया एंड जैसे मैं यहां पे से निकल रहा था, लगता है यहां पे कुछ बंदे थे जो कि मेरा वेट कर रहे थे मेरे को मारने के लिए। एंड देखो गाइस उनको किस तरीके से मारता हूं, बट वो बंदे जो है ना गाइस वहां पे से भाग गए थे। उसके बाद मैं यहां पे आया, मैंने कहा अब मिले एसएमजी वाला बंदा, बट यहां पे भी गाइस वो बंदा जो है ना दोबारा आके सारे का सारा जगह क्लियर कर लिया था, क्योंकि मैं रूम चेकआउट किया, रूम जो है ना उसी टाइम हुआ था। ये डिसमेंटल है, मैं तो सोच रहा हूँ गाइज अभी जो है ना हम लोग नेक्स्ट टाइम पे ऑफलाइन जाने से पहले जितना भी अपने पास कंपोनेंट्स होगा ना उन सारे के सारे डिसमेंटल कर देंगे। एटलीस्ट स्पीयर तो सेफ रहेगा, नहीं तो यार रोज बेस रेड होता है, रोज सामान कलेक्ट करने में हालत खराब होती है। तो उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे एक और मॉन्यूमेंट में आया, बट यहाँ पे भी जो है ना एकदम क्लियर किया हुआ था भाई, एकदम चाट फूंद के जा रहे थे बंदे। भाई देखो आप ही देखो, आप लोग यहां पे एक भी मॉन्स्टर्स नहीं मिले मेरे को, जबकि न्यू सर्वर है, हमारे तरह काफी बंदे हैं ना इसलिए। बट कोई नहीं गाइस, यहां पे मैं काफी ज्यादा घूमा, मैंने रूम चेकआउट किया, रूम्स तो ऑलरेडी लूटेड था क्योंकि ग्रीन कार्ड वगैरह मैं लेके आया था एंड रूम पे तो मेरे को कुछ नहीं मिला। तो मैं यहाँ पे देखने लगा कहीं पे मेरे को थोड़े से बॉक्सेस वगैरह मिलेंगे, बट यहाँ पे जो है ना बॉक्सेस तो थे बट ऑलरेडी लूटेड थे। देखो यहाँ पे एक बॉक्स होता है बट वो ओपन है। तो यहाँ पे से जो है ना गाइज मैं फिर यहाँ पे रुका ग्रीन रूम चेकआउट करने, बट वो भी लूटेड था। तो हम लोग जो है ना उसके बाद यहाँ पे से निकल गए एंड दोबारा से जो है ना मैं क्वारी की तरफ गया एंड वहां पे जो है ना गाइस अपने को कुछ बंदे दिखे। मैंने कहा रुको भाई तुम्हें मारता हूं एंड तुमसे जो है ना अपने को डेफिनेटली सामान तो मिलेगा। किधर है किधर है भाई, फाइट ले रहा है वो बंदा उनसे, मैं छुप गया यहां पे, लेने दे इसको भाई, ये पीछे से मेरे को मार रहा, बट कोई नहीं चलो यार इसको मारते हम लोग भाई। ये रहा, आ जा उतरता हूं मैं घोड़े से, घोड़ा गिर गया था मेरा भी। ठीक है भाई एम असिस्ट नहीं है ना गाइस, देखो आप लोग मतलब एम चिपक ही नहीं रहा बंदे में, क्लोज रेंज में गाइस डंडा खतरनाक है। ओके गाइस नॉक हुआ ये बंदा, तो यार मैं इसको उठाया नहीं क्योंकि मुझे लग रहा था डेफिनेटली इसका बंदा है यहाँ पे। एंड जैसे गाइस मैं यहाँ पे से जा रहा था तो मेरे को सीधा एक क्रॉसबो आया एंड वो जो है ना गाइस डायरेक्ट मेरे हेड में लगा
भाई 50% हेल्थ बचा हुआ था मेरा, मेरे डिसाइड करा चलो अभी जो है ना हम लोग फटाफट से अपने आप को हील अप करते हैं, दोबारा से चलते हैं इसको मारने के लिए, देखते हैं मार पाऊंगा या नहीं मार पाऊंगा। बट यहाँ पे जो है ना गाइस फाइट काफी ज्यादा एपिक हुआ, वो कैसे वो आप लोग खुद ही देखना। ठीक है मैं यहाँ पे अपने आप को पूरा का पूरा हील अप कर लिया और डेफिनेटली गाइस वो बंदा यहाँ पे जरूर आएगा। पहले तो मैं सोच रहा था कि अपने घोड़े लेके ना जाऊं, बट मेरे को लगा घोड़ा लेके जाना ही बेटर रहेगा, एटलीस्ट हम लोग उसका लोकेशन तो देख सकते हैं। एंड यहां पे तो है नहीं वो, ओ भाई ये आ रहा है वो, देखो आ गया भाई क्रॉस बो, ये गंदा चला रहा है गाइस। तो मैं यहां पे उतरा, इसको मारने का ट्राई करा बट एक ही बुलेट लगा, 15 का डैमेज भाई, इसका क्रॉसबो लग रहा है यार जबरदस्त। रुक जा भाई रुक जा, ठंड रख ठंड। गया गाइस, दो हेडशॉट लगे 58-58 के, खत्म। इसको लूटता हूं, इनसे भी अपने को काफी अच्छा लूट मिलेगा क्योंकि ये क्वारी लूटे थे। ठीक है गाइस, इसको लूटने के बाद मैं दोबारा से वहां पे गया, उसको लूटा एंड उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे जा चुका था ऑफलाइन। एंड सुबह जो है ना गाइस अपना बेस लगभग 3 बजे रात हो